दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो यार हम जा रहे हैं स्कर्दू और रात को तकरीबन हम 4 बजे निकले थे, सुबह के 4 बजे निकले थे हम, और अभी हम जो है नारान पहुंचने वाले हैं। आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे नारान, और अभी जो टाइम हुआ है वो तकरीबन 8 बज रहे हैं और बहुत ही प्यारा मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, धुंध है और बहुत ही आउट क्लास व्यू आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो आगे की वीडियोस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। गाइस, हमने नारान कागान क्रॉस कर लिया, अब हम बाबूसर टॉप के बिल्कुल करीब हैं। इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हमने स्टे किया, कहाँ सोचा कि आपको ये मंज़र दिखाऊँ, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत, बिल्कुल ऐसे समझे जैसे मिनी जन्नत में आ गए, एकदम जन्नत है, मिनी स्विट्ज़रलैंड है, इतना खूबसूरत मंज़र, माशाल्लाह माशाल्लाह। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है या नहीं आ रही है वो मैं वीडियो में देख के फिर आपको बताऊँगा, अगर नहीं आ रही हो तो उसके ऊपर हम डबिंग कर लेंगे, लेकिन आप ये मंज़र चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम पहुंच गए हैं बाबूसर टॉप, और यहाँ पर ऑक्सीजन का थोड़ा सा इशू था और हमने यहाँ पर ज़्यादा वक्त गुजारा नहीं क्योंकि हमारी मंजिल काफ़ी आगे थी, तो हम यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा रुके और उसके बाद हम आगे बढ़े। तो गाइस, बाबूसर टॉप से हम निकले थे और अभी हम पहुँचे हैं कैलाश, और यहाँ पे हमने अभी थोड़ा सा स्टे कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है एकदम, ये पानी जो है यहाँ पर बहुत ही ठंडा पानी है, तो यहाँ से थोड़ा सा फ्रेश होंगे, मुँह हाथ धोएंगे और उसके बाद फिर हम इस आगे बढ़ेंगे। तो भाई, हम आखिरकार पहुंच गए हैं स्कर्दू,
और बहुत लंबे सफ़र के बाद पहुँचे। और ये पीछे जो मेरे आप बोर्ड देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है आई लव स्कर्दू। इसके दूर से मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा, पास से तो इतना बड़ा है कि ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ बैक साइड पर। यार यहाँ पर झील बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लेक, लेकिन ये वाली जो है ये अब तक की सबसे बड़ी है। इससे बड़ी जो है अभी तक पूरे रास्ते में नहीं आएगी, ये अब तक की सबसे बड़ी है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक ही है। तो स्कर्दू का बोर्ड देखने के बाद हमें ऐसा लगा था कि हम स्कर्दू पहुंच गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सफ़र आगे काफ़ी था और इसी सफ़र के दौरान रात हो गई और काफ़ी लेट नाइट हम स्कर्दू पहुंचे थे। तो हमने वहां जाके फिर रेस्ट किया और सुबह हम लोगों ने शिखर जाना था। तो आगे की वीडियो में आपको शिखर का सफ़र दिखाता हूं। अभी हम हैं शिखर द लैंड ऑफ केटू और यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिला है, वो ये है कि बाइक के ऊपर जो हैं कुछ लोग कश्मीर से आए हैं और उनमें से किसी एक बंदे से हम आपसे बात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? कहाँ से हैं आप? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा, तो बाइक के ऊपर ही आए? बाइक के ऊपर ही आए। 6 बाइक हैं और 10 आदमी हैं। तो सफ़र कैसा रहा आपका? तो कितने दिन में पहुँचे आप? 6 दिनों के अंदर आप पहुंचे हैं। और आगे आपने यहाँ से कहाँ जाना है? आगे हमने गिलगित-बल्तिस्तान। गिलगित और बल्किस्तान जाना है। ठीक। तो रास्ता आपका सफ़र कैसा, मतलब कहीं ऐसा हुआ कि यार रात को ही, मतलब कि कहीं रोड के ऊपर रुकना पड़ गया या इजीली आप जो है यहाँ तक बिना किसी रुकावट के पहुँच गए? अच्छा, माशाल्लाह। तो ये हमारे प्यारे भाई हैं जो कि कश्मीर से आए हैं, आज़ाद कश्मीर से आए हैं। 6 दिन का सफ़र इन्होंने तय किया, आगे गिलगित बल्किस्तान जाएंगे और 6 बाइक हैं, 10 बंदे हैं। तो यार ये मतलब कि बहुत बहुत बड़ी एक बात है जो कि बाइक के ऊपर इतना बड़ा सफ़र, क्योंकि गाड़ी के अंदर अगर आप इतना सफ़र करेंगे गाड़ी में भी आप थक जाएंगे, लेकिन बाइक के ऊपर इतना बड़ा सफ़र करना, तो यार ये एक शौकीन और हिम्मत वाला बंदा ही कर सकता है, कोई आम बंदा नहीं। थैंक यू। हम अभी आए हुए हैं यहाँ पर शिखर पॉट। ये एक दिखने में तो पुराने किले टाइप से है, लेकिन इसके अंदर बताया जा रहा है कि एंटीक चीज़ें हैं और म्यूज़ियम टाइप है, पुरानी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर अभी हम लोग टिकट लेने पड़ते हैं। टिकट लेकर आप अंदर जा सकते हैं, विज़िट करेंगे और आपको भी विज़िट करवाएंगे, क्या है क्या नहीं। उसके बाद हम आपको रिव्यू देंगे कि कैसा है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इंटरेस्टेड है कि नहीं है।
प्रोफेसर अफोर्ड या अंबानी की ऑयल लेने के लिए मैं किस साल और ये 14 नंबर पर ऑयल लेते सिंगल लेयर के लिए 14 नंबर यूज करते थे और मल्टीपल सीरीज वाला नीचे वाला इस्तेमाल करते हैं और ये कुछ भी ये वाला छवि को बनाता है अंदर से हम लोग विज़िट करके आ चुके हैं और अंदर आप जब जाएंगे आपसे 500 रुपये पर हेड एक टिकट लिया जाएगा, जितने बंदे होंगे उस हिसाब से 500 रुपये का एक टिकट होगा। आपको एक गार्डन मिल जाता है जो आपको हिस्ट्री बताता है, हिस्ट्री आपको इस चीज़ की बताता है कि यहाँ का उस टाइम पुराने ज़माने में जो यहाँ का राजा था, किंग था, ये उसका घर है, ठीक है। और ये मैं उसके अभी बाहर गार्डन में खड़ा हुआ जो कि इंतहाई खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन अंदर कुछ इतना ख़ास है नहीं, की चीज़ें पड़ी हुई हैं और उसी के ऊपर एक हिस्ट्री है। और हाँ, बताया ये जा रहा है, सुनने में आया है कि भाई साहब वो पूरी दुनिया में विजिट कर सकते थे, जिधर जाना चाहे जा सकते थे और बिना किसी टिकट मुफ्त में फ्री में वो जा सकते थे, क्योंकि उसकी जो जायदाद थी वो पूरी दुनिया में थी। तो बहुत हिस्ट्री उसकी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर इतना कुछ खास मुझे नहीं लगा। आप लोग आते हैं तो आप लोग ज़रूर आकर विज़िट करें यहाँ पर, चाहे तो अंदर विज़िट करना चाहें तो भी, बाहर जो है वो अंदर से ज़्यादा, बाहर जो है वो ज़्यादा प्यारा है। तो चलते हैं वीडियो में आगे और इसी तरह की और भी चीज़ें जो हैं, जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे हमारे पास हम आपके साथ वो भी शेयर करें।
मैं भी मौजूद हूँ मनथोका वाटरफॉल। ये स्कर्दू से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पर है और यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ दिखाने लगा हूँ वो देख के आपकी रूह खुश हो जाएगी। ये मंज़र आप देखें खाली। अच्छा, ये कैमरे में तो इतना अच्छा अब आ रहा है या नहीं आ रहा इसका रिजल्ट, लेकिन रियल में ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही नेचुरल है और इंतहाई खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह से। यहाँ पर आके आपको वापस जाने का दिल नहीं करेगा, आप कहेंगे कि यार सुबह से लेकर रात तक मैं यहाँ पर बस बैठा रहूँ और ये देखता रहूँ। मंथोल वाटरफॉल, अब हम जा रहे हैं खामोश वाटरफॉल। उसका नाम खामोश इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो पानी बहता है, जो आबशार है, वो आवाज़ नहीं करती, इसलिए उसका नाम खामोश रखा है। अभी हम उस तरफ जाएंगे और आपको भी साथ लेकर जाएंगे। तो गाइस, मैं यहाँ पर अभी ऊपर आया हुआ हूँ और मैं कहाँ ऊपर आया हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, क्या खूबसूरती है, क्या कमाल है। और आया भी मैं कैसे हूँ, मैं इन पत्थरों से चढ़ते हुए इस स्लीपी पत्थर के ऊपर आया हूँ और अभी भी मैं जिस पोजीशन में खड़ा हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी बस अगले ही पल में गिर जाऊँगा। और यहाँ से करीब से देखने का इसको एक अलग ही मज़ा है और यहाँ से हल्का हल्का पानी भी आ रहा है, तो वाह भाई, पैसे पूरे हो गए ट्रिप के यहाँ पे आके।
तो खामोश वाटरफॉल पे खूब इंजॉय किए और उसके बाद हम वापस निकले स्कर्दू के लिए। और स्कर्दू से फिर हमने वापस इस्लामाबाद के लिए वापसी करनी थी, लेकिन आगे जो हुआ वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आगे की वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि आगे हमारे साथ ऐसा क्या हुआ। लेफ्ट हो जाइए क्योंकि एक खंभा अगला टेढ़ा होके पानी के अंदर आना, तो ये वाला कमी भी नीचे आ सकता है। खड़े होना यार, इन तार पर आ जाइए, इन तारों से हट जाइए, बाकी जैसे तो अभी हम लोग निकल रहे थे वापस इस्लामाबाद के लिए। अभी हम लोग खामोश वाटरफॉल से आए हैं, हमारे ट्रिप एंड हो गया था यहाँ पर खामोश वाटरफॉल पे और हम वापस जा रहे थे इस्लामाबाद की तरफ। तो यहाँ से खामोश वाटरफॉल से हम वापस जब आ रहे थे स्कर्दू की तरफ, तो स्कर्दू के जो बिल्कुल जहाँ पर एंटर गेट जो होता है वहीं पर ही एक हादसा हुआ, स्लाइडिंग हुई, उसके बाद जो है दो बार जो है वो बाढ़ आ गई और ऐसे आई है कि अल्लाह माफ़ करे कि अब पता नहीं इसमें कितने दिन हम यहाँ पर रुकते हैं, फंस जाते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं इसी इंतज़ार में कि ये रुके रेस्क्यू वाले आएँ और आकर रोड जो है किसी तरह रेडी करें तो हम आगे गुजरें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर रुके हुए और ये सारी बाढ़ आ रही है, दो दफ़ा आ चुकी है। ये सारे के सारी मिट्टी पत्थर जो है ये इसी के साथ आए हैं। और तो रास्ते जैसे ही क्लियर होते हैं यहाँ से हम निकलते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। तो दुआ कीजिएगा कि खैर खैरियत से हम यहाँ से निकलें और जल्द से जल्द ये रास्ता क्लियर हो जाए। एक खंभा गिर चुका है, दूसरी बाढ़ आई है बहुत तेज़, बहुत बड़ी एक और बाढ़ आई है, हम सारे पीछे आ गए और यहाँ पर जो है अफरातफरी जो है वो मच चुकी है। दोबारा आने के बाद ये सारे के सारे पत्थर जो है वो इसके साथ आए हैं और ये जितने भी काले पत्थर नज़र आ रहे हैं ये सब इसके साथ आए हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आ कहाँ से रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। दो दफ़ा आ चुका है, अब इंतज़ार है कि ये बंद हो, रेस्क्यू आएगी, रोड खोलेगी, तो फिर ही जो है हम जाएंगे आगे। तो काफ़ी देर तक हम वेट करते रहे और इसी इंतज़ार में रात हो गई थी, लेकिन पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहाँ पर हमने कुछ मुकामी लोगों से पूछा कि ये रास्ता कब तक खुल जाएगा, उन्होंने कहा कि इसमें दो दिन लग सकते हैं। उसी में से एक भाई ने मुझे कहा कि आपकी गाड़ी में अगर 4x4 है तो हम आपको बैक साइड से रास्ते से जो है वो ले जा सकते हैं। तो हमने कहा जी ऐसा बिल्कुल है, तो वो हमारे साथ ही फिर स्कर्दू तक चले गए। और आगे का रास्ता बहुत ही ख़तरनाक था, एक पुल था जो काफ़ी कच्चा था, काफ़ी पुराना था, उस पर से गुजर के जाना था। आगे की वीडियो आप देखें।
पता है उसको पेस्ट कैसे पता चला है? पुल पे जा रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है और पुल काफी पुराना है और नीचे पानी है, अंधेरा है, अंधेरे की वजह से नजर नहीं आएगा। हमें एक मुकामी भाई मिले थे जिन्होंने कहा कि बैक साइड से एक रास्ता जाता है, तो वो हमारे साथ ही और हम उसी के साथ अभी जा रहे हैं बैक साइड पे। हाँ, हम आधा पुल क्रॉस कर चुके हैं और अल्लाह करे आज भी खैर से हो, क्योंकि काफ़ी नाजुक पुल है, बड़ी गाड़ियाँ जो है तो चाचा साहब तो थी मान लेते हैं। एक मिनट थोड़ी तो पुल तो भाई हमने क्रॉस कर लिया और हमें लग रहा था कि शायद इस रास्ते में सिर्फ डेंजरस यही था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद एक पहाड़ी आई जो कि बिल्कुल सीधी थी और उसके बैक साइड पे हमने जाना था और बहुत ज़्यादा डेंजरस था वो, और वहाँ पर आप गाड़ी जो है वो बैक भी नहीं कर सकते थे और हमारी गाड़ी भी लंबी थी, तो यार बहुत जो है वो मुश्किल फेस करनी पड़ी है। बहुत मुश्किल से, दुआओं से और अल्लाह पाक के करम से ही हमने वो रास्ता तय किया। रोक मत, जाने दो ना, बहुत जगह है, बहुत जगह है, काटी देखो बहुत जगह है, जाने दो, खुले दिल से जाने दो। ये खतरनाक था उस्ताद, ये खतरनाक था, ये मैं बोल रहा हूँ खतरनाक था। खतरनाक नहीं, ये कार वाले के लिए खतरनाक था। मैं तो चलो आ गया अपनी गाड़ी बचाने के लिए। ये रोड आ गया था किसी तरह है, आपने थोड़ा दबा के निकलना है, आगे से गाड़ी आ गया तो फिर हमें रिवर्स में उधर नीचे जाना पड़ेगा। तो काफ़ी लेट नाइट हम एक होटल पहुंचे जो हमें रास्ते में मिला, वहाँ पर हमने स्टे किया, सुबह उठ के देखा था खूबसूरत मंजर था मेरी आंखों के सामने और सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और फिर हम लोग निकल गए इस्लामाबाद के लिए, लेकिन आगे और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो आपको हम वीडियो में आगे दिखाते हैं। अभी वापसी के लिए निकल चुके हैं, रात को हमने स्टे किया था होटल पर और उसके बाद अभी हम वापसी में। यहाँ पर यह पता चला है कि आगे का जो रोड है वहाँ 10 किलोमीटर तक जो है वो रोड जो है लैंडस्लाइडिंग की वजह से बह चुका है, तो अभी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जमा हैं और यहीं पे रात को स्टे किया था, होटल में जगह भी नहीं बच गई थी। खैर हम तो पीछे से आए थे और अभी हम यहाँ पर हैं और आगे जाकर हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है आगे की मज़ीद। वापस इस्लामाबाद के लिए हम लोग सुबह निकल आए थे, अभी यहाँ पर हम तकरीबन कोई 3 घंटे की ड्राइव करने के बाद चिला से तोड़ से पहले पहुँचे हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गई थी। ट्रैफिक जाम होने की वजह यह थी कि लैंडस्लाइडिंग हुई हुई थी और ये 10 किलोमीटर तक जो है रोड बंद था। अभी ये रोड तो खुल गया है, यहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे वो तकरीबन 2 दिन से ज़्यादा हो गए थे उनको फंसे हुए थे, और 2 दिन के बाद आज ये रोड खुला है और अभी रोड तो खुल गया लेकिन ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, अभी ट्रैफिक जाम हुई हुई है, उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लोग यहाँ पर अब वेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी जो है इनकी जो इंतज़ामिया है वो काफ़ी हेल्प कर रही है, सब लोगों को रास्ता दे रही है, हेल्प कर रही है, ऐसा नहीं है कि हर बंदा खुद अपने मदद आप लगा हुआ है यहाँ की, ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये बहुत आगे तक जो है वो ट्रैफिक जैम हुई हुई है, शायद कैमरे में आपको नज़र ना आ रहा हो लेकिन यहाँ पे बहुत ट्रैफिक जैम हुई हुई है। तकरीबन यहाँ पर जो है 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो अभी ब्लॉक हुई हुई हैं। आगे का रास्ता खुलता है, हम आगे जाते हैं तो फिर आगे की रिपोर्ट आपको। ये देखें जी कितनी बड़ी ट्रैफिक यहाँ पर जैम हुई हुई है, कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर, सारा का सारा रोड जो है बह गया था।
तो 6 घंटों से ज़्यादा इंतज़ार के बाद रोड खुला और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। और वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो 2 दिनों से इंतज़ार कर रहे थे रोड खुलने का। जैसे वापस घर पहुंच गए, शुक्र अल्लाह पाक का कि हम जो है तो सही सलामत हम घर पहुंच गए। और काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी है, हमें तो 6-6.5 घंटे हम एक जगह पर रुके रहे, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो 2-2 दिनों से 3-3 दिनों से एक एक जगह पर फंसे हुए थे। और जहाँ पर लैंड लैंडिंग की हुई थी वो भी कोई 1-2 जगह नहीं थी, काफ़ी सारी जगहों पर मुख्तलिफ जगहों पर आई हुई थी। स्कर्दू में भी आई हुई थी, जगलोट पर भी आई थी, चिलास में भी आई हुई थी। तो काफ़ी जगह पर जो है वो लोग फंसे रहे हैं काफ़ी दिनों तक, सिग्नल आप वहाँ पर आते नहीं है, कोई अपने प्यारों से रब्ता कर नहीं पाता। तो यार हम के लिए दुआ गो हैं कि जो अभी तक फंसे हुए वो खैर खैरियत से वापस आ जाएं। और हमसे बस गलती ये हो गई थी कि हमने जाने से पहले वेदर चेक नहीं किया था। तो यार आप भी प्लीज़ अगर नेक्स्ट टाइम कभी आप जाएँ, नेक्स्ट टाइम जाएँ या फर्स्ट टाइम जाएँ, तो आप जाने से पहले वेदर चेक कर लिया करें। कम से कम 5-6 दिन की आपके पास अपडेट होनी चाहिए ताकि जो भी सूरत हाल हो आप उससे आगाह रहें। हमारे स्कर्दू का एक कंप्लीट ट्रिप था और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था ट्रिप के हवाले से भी और इस तरह बाय फेस भी, क्योंकि इससे पहले मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो जस्ट बाइक्स की करता हूँ। तो काफ़ी गलतियाँ तो मुझसे हुई होंगी, लेकिन आप उस गलतियों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा और वो खूबसूरती देखिएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।